वो देखो, हमें इस बारे में नहीं समझता कौन सा चेहरा अच्छा है, पर हमारे पास कॉम्पिटेंट चेहरों की कमी नहीं है। उनमें से आप मीडिया वाले चलाते रहते हैं, 8-10 चेहरे हैं, तो उनमें से जो भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड या मोदी जी तय करेंगे सबको स्वीकार्य है, उनकी अगुवाई में काम करेंगे, राजस्थान को आगे ले जाएंगे। बीच में विपक्ष के लोग, खासतौर पर अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाया था कि भाजपा में फूट है, चेहरा दे नहीं हो पा रहा, इतना समय लगा रहे हैं। नहीं, आप 2008 में जाओ, जब हम उसमें थे, दूसरे मतलब पार्टी से बाहर थे, तो हम 6 विधायक जीत के आए थे, जिसमें गोलमा भी थी, प्रसादी लाल जी भी थे। आप गहलोत साहब से जाके पूछो, तब 17 दिन लगे थे चेहरा तय करने में। तो ये तो समय लग जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कोई झंझट हो, कोई पेच फंसा हो, कोई बाड़ेबंदी हो रही हो, कोई बगावत हो रही हो, ये संभव ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो उनके वहीं संभव है, जो बाड़ाबंदी उनको करनी पड़ी दो दो बार, बागी भी उनके पार्टी में 19-20 लोग हो गए थे। किरोड़ी लाल जी, आपका नाम उन नेताओं में आता है जो धरातल पर उतरकर लगातार संघर्ष करते हैं। कई मुद्दे आपने राजस्थान में उड़ाए, जो पूर्ववर्ती सरकार थी अशोक गहलोत की, उनकी नींद उड़ा कर रखी। अब जब आपकी बहुमत में सरकार बनने जा रही है, 115 सीटें बीजेपी की आएगी, कल मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित हो जाएगा, दावेदारों के कई नाम है, उसमें एक आपका नाम भी शामिल बताया जा रहा है। देखो, मैं तो कहीं दूर दूर तक नहीं हूँ, क्योंकि आपने इतने दिनों से, मैं आप लोगों से मिला हूँ, मैंने कई बातों में ऐसी इच्छा जाहिर न तो आपके सामने की, न पार्टी में की, न क्षेत्र में की, चुनाव लड़ते समय कहीं भी नहीं की। मैं तो जिनकी मैंने नींद उड़ाई, उनकी नींद और उड़ाऊँगा, हमारी सरकार उड़ाएगी। जिन्होंने राजस्थान के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, उनकी नींद उड़ाना हमारी जिम्मेदारी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे DOIT हो, उनकी नींद उड़ाना हमारी जिम्मेदारी है, और वो हम करेंगे।